Hey everyone, welcome or welcome back on this channel. If you are new here, hi, my name is Sayali और मैं इस channel पे ukulele tutorials, music covers और musical comedy videos बनाती हूँ. So if you are into it, please consider subscribing and let's dive into today's video. सीखेंगे क्लासिक 90s रोमांटिक सॉन्ग दो दिल मिल रहे हैं फ्रॉम द परदेश मूवी. और इस सॉन्ग के लिए हमें चार कॉर्ड्स लगेंगे. पहले ही बता दूं ये इंटरमीडिएट लेवल का सॉन्ग है. यू कैन प्ले एज अ बिगिनर बट ये काफी चैलेंजिंग जाएगा एज अ बिगिनर, कंप्लीट बिगिनर बजाने को. सो गेट अ एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ विथ फ्यू सॉन्ग्स और कॉर्ड्स आपके बहुत ही ज्यादा पक्के होने चाहिए वाइल प्लेइंग दिस सॉन्ग बिकॉज हाथ की काफी वाट लगने वाली है. सो गेट प्रिपेयर्ड, लेट्स जंप इनटू द कॉर्ड्स. बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आपका यूकुलेले ट्यून्ड होना चाहिए. अगर पता नहीं है कैसे ट्यून करते हैं, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट, सो चेक इट आउट. आई विल प्रोवाइड ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, इस सॉन्ग के लिए हमें चार कॉर्ड्स लगने वाले हैं. ये सॉन्ग ओरिजिनली बी की में है, मैंने इसको एफ की में कन्वर्ट किया. एफ मेजर ओरिजिनल वॉज इन बी मेजर, अकॉर्डिंग टू मेरा वॉइस और स्केल मैंने इसको एफ मेजर में कन्वर्ट किया है. तो पहला कॉर्ड है एफ कॉर्ड. एफ कॉर्ड को बजाने के लिए आपको आपका मिडिल फिंगर रखना है ऑन सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग और इंडेक्स फिंगर रखना है ऑन फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग. That's F chord. Next है D minor chord. D minor को बजाने के लिए आपको F वैसे ही पकड़े रखना है, खाली आपको आपका ring finger जो है वो middle finger के नीचे वाले string पे add करना है. तो second fret third string पे आपका ring finger आना चाहिए. ये हो गया D minor chord. Next है B flat chord. B flat को बजाने के लिए आपको आपका जो index finger है उससे ये दोनों strings फर्स्ट फ्रेट के पहला और दूसरा दोनों स्ट्रिंग्स आपको इंडेक्स फिंगर से होल्ड करने हैं. नेक्स्ट यू हैव टू पुट योर मिडिल फिंगर ऑन सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग और रिंग फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग. ऐसे बजेगा बी फ्लैट. इंडेक्स फिंगर से आपको ये दोनों स्ट्रिंग काफी जोर से दबाने पड़ेंगे, कीप दैट इन माइंड. जब हम एक साथ एक ही फिंगर से मल्टीपल स्ट्रिंग्स बजाते हैं तो उसको बार कॉर्ड बोला जाता है. सो इट्स काइंड ऑफ अ बार कॉर्ड. ओके, नेक्स्ट है जी माइनर कॉर्ड. जी माइनर को बजाने के लिए आपको रखना है आपका इंडेक्स फिंगर ऑन फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर ऑन सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग एंड रिंग फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग. दिस इज हाउ इट शुड साउंड. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द स्ट्रमिंग पैटर्न. इस सॉन्ग का जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन डाउन. इट्स अ लॉन्ग स्ट्रमिंग पैटर्न आई नो, तो इसको मैं ब्रेक करके बताऊंगी. पहला जो पार्ट है उसमें आपको चार डाउन अप बजाने हैं. सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, चार बार डाउन अप आएंगे. ठीक है, सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप फास्ट, डाउन अप 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 डाउन अप. आई नो इट साउंड सो सिली बट इस टेम्पो में आपको बजाना है. नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सिर्फ डाउन स्ट्रम. सो सिंपल डाउन स्ट्रम और उसके आगे का जो पार्ट है वो आएगा दो बार डाउन स्ट्रम. सो डाउन 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 डाउन, तो तीनों पार्ट मिला के जो स्ट्रमिंग पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा होगा. डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन डाउन. थोड़ा स्लो में बताती हूँ और डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन डाउन. ओके, थोड़ा फास्ट डाउन 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 डाउन. इस तरह से स्ट्रमिंग पैटर्न चलने वाला है कंटिन्यूअस. आई नो ये काफी चैलेंजिंग स्ट्रमिंग पैटर्न हो सकता है, सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट वेरी 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 वेल.
लेट्स मूव ऑन टू द सॉन्ग नाउ. पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, इसमें हाथ की काफ़ी वाट लगने वाली है, क्योंकि हो क्या रहा है, हम पहले 3 फ्रेट पे ही काम कर रहे हैं. सारे कॉर्ड्स ये 3 फ्रेट में आने वाले हैं, और जो कॉर्ड्स का पोजीशन है या कॉर्ड्स का फॉर्मेशन है, जिस तरह से आपको फिंगर्स प्लेस करने हैं स्ट्रिंग्स पे, उस पे आपको फोर्स ज़्यादा लगने वाला है. सो योर हैंड्स आर गोइंग टू पेन, सो बी प्रिपेयर्ड, बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आपको स्क्रीन पे कॉर्ड्स दिखेगी, नीचे स्ट्रमिंग पैटर्न दिखेगा, जस्ट फॉलो अलॉन्ग. हम पहले स्टांजा कवर करेंगे सॉन्ग का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है. आपको साइड में स्क्रीन पे कॉर्ड्स दिखेंगे, नीचे स्ट्रमिंग पैटर्न दिखेगा, जस्ट फॉलो अलॉन्ग. स्टार्टिंग विथ एफ कॉर्ड. सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जली, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगी, अपना दिल में जरा थाम लो जादू का मैं इसे नाम दो जादू कर रहा है जादू कर रहा अगर आपको सीधा एंड करना है वैसे भी कर सकते हो. दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके, इसके बाद स्टांजा आता है. तो स्टांजा पे जंप करते वक्त आपको एफ कॉर्ड पकड़ना है और खाली 4 बार स्ट्रमिंग करना है एफ कॉर्ड पे, एंड देन यू हैव टू जंप टू द स्टांजा. ठीक है, ये मैंने थोड़ा रिवर्स में ले लिया, क्योंकि स्टांजा का जो पार्ट है वो थोड़ा चैलेंजिंग है बजाने को, एंड माई हैंड इज पेनिंग अ लॉट इवन आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो यू विल हैव टू गेट यूज टू दिस. आई मीन इवेंचुअली आई हैव गॉट यूज टू इट, बट यू विल हैव टू डील विद दैट. एनी वेज, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज कम्प्लीटली फ्री. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. Until we meet, love and positive vibes. Bye!